यहाँ पे अपाजी हाँ। देख लिए सिस्टम, देखिए ये आपका ऊपर नीचे ऊपर वाला जो माइनस का सिस्टम है फ्रीज़र का और ये आपका फ्रिज का सिस्टम है, ठीक है। अब इसको सेट करना बहुत ईजी है, इसको बीच वाला बटन को एक बार प्रेस कीजिएगा तो ब्लिंकिंग चालू होगा। देखिए मतलब इस पे आ गया, ठीक है। जितना आप ज़्यादा इसको माइनस पे कीजिएगा, अभी ये ऑफ है, ठीक है। देखिए माइनस बढ़ रहा है ना इस बटन से, जितना ज़्यादा माइनस होगा उतना जल्दी ऊपर आइस जमेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड सेटिंग जो इसका ये 19 पे रहता है, आप चाह रहे आप इसको बंद करना आइस वाला सेक्शन को, जैसे कम करते जाना होगा आपको, ठीक है। देखिए आपका लॉक हो गया है, अब बंद हो गया, ऑफ लिखा रहा है ना, ये आइस वाला सिस्टम आपका बंद हो चुका है। इसको ऑन करना है तो इसको प्रेस करना होगा आपको एक बार, ठीक है। इसको 19 पे हम कर देते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग हो गया। अब आपका नीचे वाला ये फ्रिज का सिस्टम है, एक बार प्रेस करेंगे फिर ये ब्लिंकिंग चालू होगा, फिर एक बार प्रेस करना होगा। ब्लिंकिंग चालू हो गया, देखिए बढ़ रहा है ना, प्लस वाला सिस्टम है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना बढ़ेगा ये, चालू करना होगा। जब आपका स्टैंडर्ड सेटिंग 3 पे हो गया, ठीक है। इस तरह पे इसको ऑपरेट कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं। किसको ये वाला बोल रहा है, इसको बोल रहा है 19 पे टेम्परेचर अंदर का बता रहा है ना, ये डोर ब्लिंकिंग कर रहा है। फ्रिज का 3 पे सिलेक्ट किए हुए हैं, वो भी टेम्परेचर बता रहा है। देखिए इसको 3 पे, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। अगर आपको कम ही ज़्यादा रहेगा तो अब इसको प्रेस कीजिएगा ना, तो बढ़ा घटा सकते हैं, ब्लिंकिंग चालू होगा तो देखिए ब्लिंक कर रहा है, घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से